अस्सलाम वालेकुम। हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब? तो आज संडे है तो बच्चों को थोड़ा बाहर लेकर जा रहे हैं। मैंने मिशू के लिए पानी ले लिया है, गर्म पानी लिया है। पीते वक्त ना वार्म हो जाएगा तो परफेक्ट रहेगा उस टाइम पीने के लिए। थोड़ा दूध बैठा दिया है गर्म होने के लिए मिशू के लिए। अभी वो थोड़ा बहुत पी लेती है, अच्छे से नहीं पीती है बट थोड़ा बहुत। अभी उसको हैबिट में करवा रही हूँ तो थोड़ा बहुत ले रही है वो दूध। और अलीना के लिए ना मैंने जूस निकाल लिया है। तो बच्चों को लेकर थोड़ा हम बाहर जा रहे हैं, काफ़ी टाइम से घर में ही है। बच्चे बीमार भी थे तो बाहर बिल्कुल जाना नहीं हुआ, तो आज संडे है तो हमने सोचा थोड़ा बच्चों को बाहर घुमा देते हैं। वहीं जा रहे हैं, देखिए डाइनिंग टेबल वहाँ से हटा के हस्बैंड ने यहाँ रख दिया है। अभी माँ के ना थोड़ा सेटिंग चेंज करेंगे यहाँ का डाइनिंग टेबल का, तो आकर करते हैं। अभी चलते हैं, फिलहाल बच्चे ओ रेडी हैं। वाह, मिशू लुक्स सो क्यूट। मिशू का पिगी टेल भी है पीछे में, ये देखो। मिशू ने जितने अच्छे से कॉपरेट किया, मम्मा को हेयर बांधी। मिशू मिशू लुक अप, ओ यू लुक सो क्यूट, माशाल्लाह मिशू। हाँ बैग दिखा रही है मिशू, देखो मिशू ने बैग भी पहना है। हाँ मौसम अच्छा है ना आज का, मौसम अच्छा है, धूप खिला है लेकिन हल्का सा ठंड है, ठंड हवा चल रही थी। मिशू को देखिए, अलीना मिशू पीछे बैठ गए। हाय मिशू, अस्सलाम वालेकुम, अस्सलाम वालेकुम। अलीना कितनी क्यूट लग रही है, मिशू भी क्यूट लग रही है। जहाँ पर हम जा रहे हैं ना वहाँ पे कार्ड एक्सेप्ट नहीं करते, तो हस्बैंड गए कैश लाने के लिए, कैश विदड्रॉ कर रहे हो। और जा कर रहे हैं, बताया नहीं पहले तुम लोग, जा कर रहे हैं जा रहे एक सॉफ्ट प्लेस सेंटर, उधर क्या बोलते हैं, इंडोर प्लेग्राउंड है वो, एक इंडोर। हाँ जैकेट पहन लो, ठंडा लग जाएगा। अभी अभी ठीक हुई हो तुम, जैकेट पहन लो, अंदर में हीटर चलेगा, वहाँ खोल सकते हैं। यहाँ बाउंस हो, मिशू का ना बाउंस, मिशू का बाउंसिंग का बहुत शौक है। दुबई में है क्या मिशू? दुबई में क्या है मिशू? वेयर आर वी गोइंग मिशू? पार्क, इधर पार्क है इधर। तो हम आ गए हैं, ये गो किड्स गो इंडोर प्ले एरिया है, क्योंकि पार्क में भी खेल सकते हैं, यहाँ पे बहुत अच्छे अच्छे पार्क है। बट प्रॉब्लम है कि हवा बहुत ज़्यादा चलती है ना, तो बच्चों को ठंड लग सकती है। अभी भी इतना मतलब गर्मी यहाँ पे कुछ आया नहीं है, ठंडी है अभी तक। तो जब गर्म आ जाएगा तो बच्चों को पार्क में लेके घूम सकते हैं। तो हम बच्चों को यहाँ पर लेकर आ गए थे, इंडोर प्ले एरिया है, यहाँ पर स्लाइड वगैरह है, बहुत सारा फन एक्टिविटीज़ है। और मिशू अभी तक सो रही है। हम लोग जा रहे हैं, बड़ा सा स्लाइड है, देखो बिग स्लाइड, लेट्स गो। अलीना अकेले नहीं जा रही है, मुझे अपने साथ साथ लेके पूरा घुमा रही है। उसको बचपन से आदत है, इस तरह से प्ले एरिया में आएगी ना मुझे ले लेके घूमती है पूरा। और मिशू सो रही है, मिशू बहुत अभी उठेगी तो बहुत एंजॉय करेगी। अभी अलीना को कहाँ जाना है, रुको। अभी आओ, पर अलीना के साथ साथ मैं भी खूब एंजॉय कर रही हूँ। देखिए कितना बार मैंने स्लाइड किया और इस स्लाइड में बहुत मज़ा आ रहा था। मिशू उड़ गई, तो यहाँ हम सबको बहुत तेज भूख लग गई थी खेलने कूदने के बाद, तो यहाँ से कुछ खाने पीने का सामान ले लेंगे। और मिशू तो कार में सो गई थी ना, जब आंखें खुली तो वो यहाँ पे थी और एकदम से सरप्राइज हो गई कि मैं कहाँ आ गई। उसका फर्स्ट टाइम है ये इस तरह का प्ले एरिया में, वो फर्स्ट टाइम आ रही है, कभी नहीं आई इस तरह से। तो उसे ना ये ब्लॉक्स बनाने में बड़ा मज़ा आ रहा है, तो लंबे लंबे टावर्स बना रही है। Yeah, make new house. Yeah. Nice. You making house for mama, Mishu? भूख लगी अलीना को। तो यहाँ पे हमने बर्गर फ्राई सैलड वगैरह मंगा लिया था, कॉफ़ी भी मंगा लिया था, और अलीना का बहुत मन था पिज़्ज़ा खाने का इसलिए पिज़्ज़ा मंगा लिया हमने।
और बहुत अच्छा टाइम स्पेंड हुआ बच्चों के साथ। और मिशू ना इतनी ज़्यादा एक्साइटेड हो गई, वो समझ नहीं पा रही है मैं कहाँ जाऊँ, इतना ज़्यादा एक्टिविटीज़ है ना, और बहुत इंजॉय किया उसने, समझ नहीं पा रही यहाँ जाओ या वहाँ जाओ, पूरा घूम रही है, अकेले घूम रही है, उसको किसी की ज़रूरत नहीं है, आराम से पूरा घूम रही है। What happened? Why Mishu is upset? तो वहाँ पे जाना है बच्चे लोग। यहाँ मिशू अपसेट है क्योंकि उसे बाउंस करना था वहाँ पे, बट दूसरे बच्चे आ गए थे इसलिए वो थोड़ी अपसेट हो गई थी। तो अभी खाली हो गया है तो उसके पापा उसको अंदर लेकर जा रहे हैं, इसलिए मुंह फुलाकर बैठ गई थी। और यहाँ पर मिशू का मज़ा देखिए, यहाँ पे ना उसको बाउंस करके हो गया, उसको दूसरी तरफ जाना था तो वो निकल रही थी बाहर, बट जैसे ही उसने देखा ना दूसरे बच्चे आ रहे हैं अंदर, वैसे ही वो यू टर्न मार के वापस अंदर चली गई। वो समझ गई अगर मैं निकलूंगी तो कोई ना कोई आ जाएगा तो ये भी चला जाएगा, तो वापस जाकर घुस गई। देखिए दूसरे बच्चे आ गए। मिशू को गोद में लो। हाय सुनो। Mishu say hello. Mishu, are you enjoying? Yeah, Mishu enjoying a lot. Come on. Come on, Papa बहुत slow आ रहे हैं. Papa always slow. चलो पकड़ लो उसको यार. चलो गिर जाके पकड़ लो उसको. She's coming all alone. Good job, Mishu. Wow, good job. Yeah, give me high five. Yeah. मम्मा की बारी। कैसे भाग रही है? Again. Wait. You go on your own. Very dangerous, hey, Mishu. Very dangerous, Mishu. Oh my God. Let's okay. Then let's go now. One. Wait. Again. One. Go. Go. Yay. बहुत फन है लेकिन जो बोलो बहुत मजा आ रहा है। बैठा दो पी। पूरा अंदर अलीना है, बॉल के अंदर सोई है। मुंह मत लगाओ। मिशू That is table and chair, Mishu. Everybody gone now. It's time to go home. Chocolate milk, banana milk. What milk is that, Mishu? Banana milk. ठंडा नहीं है ना, ठंडा हुआ तो नहीं दे पाएंगे उसमें, ठंडा रूम टेम्परेचर। Mishu, you can drink now. दूध लेकर आए, वो नहीं पी। मिशू का शूज कहाँ है? मिशू मेरा फेवरेट केक ही आ गया उसको, ओरियो लगा हुआ सब, इधर कम दिस साइड फेरेरो रोशर है। हाँ, कम दिस साइड। वाह मिशू, क्या लिखा है इसमें? फेरेरो रोशर लिखा है। लिखा नहीं है मिशू। Happy birthday, Papa Janu. Mishu, whose birthday is that, Mishu? Happy birthday. Papa's happy birthday? Oh, thank you, Mishu. तुम hair क्यों खोली? मम्मा इतना चेहरा वाली थी। तुम hair? पूरा खोल दी hair. Happy birthday, Papa Janu.
वही बोलेंगे लोग। थैंक यू मिशू, थैंक यू। पापा जानू व्हाट कट केक कट केक कट केक मिशू को पहले पकड़ने दो, फिर तुम पकड़ लो, फिर हम बड़ा कम पकड़ने। ओके ओके चलो। हैप्पी बर्थडे टू यू, हैप्पी बर्थडे टू यू, हैप्पी बर्थडे डियर पापा, happy birthday to you. रखो बचा के रखो। चलो आपका है ना, बोल रही है वो खाने के लिए। भूख लगी है तेज। तुम खाओ तुम खाओ। पापा वाचिंग स्क्रीन मिशू। पापा ऑल द टाइम। स्क्रीन बोलती है, स्क्रीन नहीं आती। स्क्रीन स्क्रीन मिशू, व्हाट आर यू डूइंग विद ट्राइपॉड, कम हियर। थैंक यू मिशू। ओके दैट इज पापा'स बर्थडे, पापा केक खाएगा। व्हाई मिशू ईटिंग केक इफ इज पापा'स बर्थडे, मम्मा नॉट ईटिंग केक। मम्मा हंग्री। हमारा खाना आ गया है। वाओ बहुत टेम्पटिंग लग रहा है सोनू, इसमें टेम्पटिंग लग रहा है। बॉक्सेस तो देखो। टर्किश पर चमाइली भी रहता है। ये क्या बॉक्स, बच्चे भी खा पाएंगे। लैम्ब भी ट्राई से। हम एक्चुअली बाहर जाकर खाना खाने वाले थे अच्छे से टर्किश रेस्टोरेंट में। टर्किश फूड बहुत माइल्ड होता है, बच्चे भी खा लेते हैं, मिशू भी खा पाती है, तो इसलिए। बट टाइम ज़्यादा हो गया था और अलीना का नेक्स्ट डे स्कूल था, तो हस्बैंड ने बोला घर पे ऑर्डर कर देते, जाकर आने में बहुत टाइम भी लग जाएगा, तो हमने बाहर से ही फूड ऑर्डर कर लिया था। तो हमने टिक्का वगैरह मंगा लिया था, लैम्ब विथ राइस, और उनका स्पेशल एक रोटी होता है गार्लिक सॉस, स्पेशल एक गार्लिक सॉस देते हैं साथ में, बहुत अच्छा लगता है। तो सैलड वगैरह ये सब मंगा लिया था, तो वही हम इंजॉय कर रहे हैं। तो एक्चुअली हस्बैंड का बर्थडे 1st of March को था, मैंने बहुत डिले हो गया, एडिट नहीं हो पा रहा था वीडियो, तो फाइनली मैंने आज एडिट कर लिया है, तो पोस्ट कर दूंगी। तो बस ठीक है, होप आज का वीडियो आप लोग अच्छा लगा होगा। फिर मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में। अपना ख्याल रखें, स्टे सेफ, बाय, टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।